हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो इसे आप व्लॉगिंग भी कह सकते हैं और मेरा डीपली डेली रूटीन भी कह सकते हैं। इन वीकेंड तो अभी चल रहा है वीकेंड, तो मैं वीकेंड में थोड़ा लेट ही उठती हूँ, तो मैं उठ चुकी हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और सूरज चाचू भी उठ चुके हैं। चलो मैं आपको जाके बाहर का व्यू दिखा देती हूँ। चलो मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ। ये देखिए बाहर का व्यू, पेड़ पौधे, सूरज चाचू की किरणें आ रही है। कितने लग रहा है मॉर्निंग हो चुकी है, और सीरियसली मॉर्निंग हो चुकी है। तो मैं सुबह उठ के करती हूँ सबसे पहले ब्रश। आप सुबह उठ के सबसे पहले क्या करते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं तो ब्रश करती हूँ, अपने टीथ क्लीन करती हूँ पहले, फिर ही कुछ खाती पीती हूँ, और बाकी काम भी मैं ब्रश करने के बाद ही करती हूँ। तो मैंने अपने ब्रश पे कोलगेट लगा लिया है, तो मैं अपना ब्रश करूँगी कंटिन्यू, और आपसे ब्रश के बाद मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने अपना ब्रश कर लिया है, तो मैं अपना फेस वॉश करूँगी। तो मैं ना क्रीम का यूज़ करती हूँ ना जेल का यूज़, मैं ओनली वाटर से ही अपना फेस वॉश करती हूँ। आपको भी क्रीम या जेल का यूज़ नहीं करना चाहिए, वो हमारी स्किन के लिए अच्छा नहीं होता। तो मैं थोड़ा पानी अपने बालों पर भी लगा लिया है। तो अब मैं आ चुकी हूँ रूम में, और मेरा फेस गीला है क्योंकि मैंने अभी वॉश किया था। तो मैं इसे कपड़े से पोंछ लूँगी अच्छी तरह, ताकि अच्छी तरह सूख जाए, कहीं भी गीला ना रहे। और इस कपड़े को मैं अपने बालों पर भी लगा लूँगी, ताकि मेरे बाल आगे आ रहे थे जो वो पीछे हो जाए, क्योंकि सो के उठते तो ऐसे होता है। तो मैंने अपने बालों पर भी लगा लिया, बाल पीछे हो गए हैं स्ट्रेट। तो अब मैं पीऊँगी वाटर, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ प्यास लगी है, और मैं मॉर्निंग में उठ के वाटर पीती हूँ, क्योंकि वाटर पीना चाहिए, इससे हमारी बॉडी हाइड्रेटेड रहती है। तो ये है मेरा टेडी ढोलू, जो अभी अभी मेरे साथ सो के उठा है, लेकिन इसे फिर से नींद आ रही है। तो अभी विंटर्स चल रहे हैं, तो मैं इसे कंबल उड़ा देती हूँ इसका। देखिए कितना क्यूट लग रहा है। तो मैंने इसका कंबल उड़ा दिया है, देखिए बिल्कुल अच्छी तरह इसको मैंने पैक कर दिया। और इसकी नोज अभी है नहीं, तो लगता है इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन वो जब होगा जब देखेंगे। तो अभी इसको हम सुला देते हैं। तो मैंने इसको खाट पर रख दिया है, खाट थोड़ी सी टूटी हुई है, लेकिन कोई नहीं, इसके सोने के लिए और मेरे सोने के लिए ठीक ही है, जब तक चल रही है चला लेंगे। और इसके कज़न्स है ये टोमू, और इसका छोटा भाई छोटू। तो इसके कज़न्स को भी मैंने इसके साथ रख दिया है, भाई बहन बंधु। और इनको मैं अच्छी तरह से अब कंबल उड़ा दूँगी। ये अभी सो के उठा है, लेकिन ये दोबारा सोएगा, इसके मज़े ही मज़े हैं। तो इसको ढक के अच्छी तरह बाय बाय कर देते हैं, बाय बाय। तो अब मैं जा रही हूँ किचन की ओर, क्योंकि मुझे वीकेंड चल रहा है, तो खाना मुझे ही बनाना है। तो मैं किचन में आ चुकी हूँ। मैं कितनी हैप्पी लग रही हूँ, पर हूँ नहीं, क्योंकि मुझे अब खाना बनाना है। तो ये गोभी है जो मम्मी कट करके गई थी, और ये आलू है जो मुझे कट करने हैं। तो गोभी तो मम्मी कट करके गई थी, मुझे बस ओनली आलू कट करके इसको बनाना है। तो मैं अच्छी तरह से बैठ जाऊँगी, ताकि मैं आपको अच्छी तरह से दिखूँ, क्योंकि मैं ही कर रही हूँ। तो मैंने ये वन पोटैटो ले लिया है, और इसको मैं अच्छे से पिल कर रही हूँ। तो देखिए मैं पिल करने का तरीका, आपको कुकिंग करना आता है या नहीं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आपको आलू काटना आता है कि नहीं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आपको कुकिंग में क्या क्या करना आता है वो भी मुझे कमेंट में बताना, मुझे तो सब कुछ बनाना आता है। तो मैं जल्दी से ये आलू काट लूँगी, इसको मैं लंबी लंबी स्लाइसिस में कट कर लूँगी अच्छी तरह। तो अभी फ्रेंड्स, मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, क्योंकि हमारे घर में जिसको भूख लगती है वो अपने आप चाय कर बना के पी लेता है, क्योंकि हम घर में तीन ही जने हैं, मैं, मेरा भाई और मम्मी। अगर भूख लगती है तो हम खुद बना के खा लेते हैं, नहीं तो फिर हम खाना ही खाते हैं। तो देखते हैं, मुझे भूख लगेगी तो मैं कुछ खाऊँगी, नहीं तो मैं खाना ही खाऊँगी। तो मैंने देखी कितनी स्पीड तेज हो गई है मेरी आलू काटने की, तो मैं जल्दी जल्दी आलू काट लूँगी, ताकि मैं जल्दी जल्दी काम फिनिश हो जाए। तो ये आलू गोभी दोनों कट चुकी हैं, गोभी तो कटी हुई थी, आलू काटे हैं मैंने। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी वाटर, क्योंकि इसको हमें धोना भी है अच्छी तरह। तो आप भी धोते ही होंगे अच्छी तरह सब्जी को बनाने से पहले। तो मैं भी इसमें पानी ऐड करके इसको अच्छी तरह 2 से 4 बार धो लूँगी, क्योंकि आलू में मट्टी होती है, और साथ में गोभी को भी हमें वॉश करना चाहिए। वैसे गोभी कट करना मुझे आता है, लेकिन मम्मी ने कट कर दी तो कोई बात नहीं। ये देखिए, मैंने इसको अच्छी तरह से मैं इसको रगड़ रगड़ के धो लूँगी, और मुझे भी, मैं पानी में हाथ जा रहा है तो मुझे भी थोड़ा ठंडा ठंडा कूल कूल लग रहा है, तो मुझे भी मज़ा आता है सब्जियाँ धोने में। तो सब्जी मैं 1-2 बार और धोंगी, और ये मैंने सब्जी गैस पर चढ़ा दी है। ये देखिए, वो आपको तेल लग रहा होगा, लेकिन वो तेल नहीं है, वो गोभी ने पानी छोड़ा है, वो है। तो अभी थोड़ी सी फ्राई हो चुकी है, और ये कचरा
क्या क्या कहना कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? तो फ्रेंड्स, आलू गोभी थोड़ी फ्राई हो चुकी है, इसे कहते हैं ये थोड़ी सख्त हो चुकी है, मतलब ये खाने लायक हो चुकी है। जिसके दांत पक्के हो वो खा सकते हैं, मतलब इतनी भी कच्ची नहीं है, ऑलमोस्ट आधी ये पक चुकी है। तो मुझे यहीं पे भूख लग रही थी तो मैंने एक ब्रेड ले ली, ब्रेड घर पे अवेलेबल थी, घर पे रखी हुई थी मतलब, तो मैंने एक ब्रेड ले ली और एक गोभी ले ली, उस पर मैंने एक आलू ले लिया क्योंकि ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। और ये सब्जी के छोक के लिए मैंने काटे थे अनियन, तो मैंने अनियन ले लिया और इसमें से मैंने एक मिर्ची ले ली क्योंकि मैंने मिर्ची भी काटी थी। तो मैंने ये सब ब्रेड पे रखा और फिर मैंने इसमें ऐड किया सॉल्ट, क्योंकि सब्जी में अभी मैंने कोई भी मसाला ऐड नहीं किया है, तो मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा सॉल्ट, चुटकी भर नमक। तो मैंने इसे सॉल्ट ऐड कर लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी टमाटो केचप जो मेरे घर पर रखी हुई थी, ये 1 रुपये वाला पाउच है, तो ये मेरे घर पर रखे हुए थे, मेरा भाई 10 का लाया था तो उसमें से 3 पाउच बच गए थे, तो ये 1 पाउच मैंने फाड़ लिया है। इसे मैं ढेर सारी केचप लगा लूँगी अच्छी तरह और ये टेस्टी टेस्टी रोल रेडी है मेरा। अब मैं इसको अच्छी तरह से रोल कर लूँगी, तो मैं ये एक ही हाथ से कर रही हूँ क्योंकि सूट भी मैं ही कर रही हूँ। तो अब मैं इसे उठा के फटाफट से खा लूँगी। ये देखिए फ्रेंड, मुझे भूख लगी थी बड़ी तेज, तो मैंने जल्दी से गरम गरम बाइट मार ली, लेकिन मेरा मुंह नहीं जला, देखिए कितना गरम गरम है, धुआं भी निकल रहा है। और ये फ्रेंड्स बहुत यम्मी था, आपने ट्राई नहीं किया होगा तो आप भी ट्राई करना, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल गरम गरम था, थोड़ी विंटर्स भी आ रही हैं धीरे धीरे, लाइन में खड़ी है, तो गरम गरम खाने का तो मज़ा ही कुछ और होता है। तो इसमें से गोभी निकल के नीचे गिर गई थी, तो फिर मैंने गोभी उठा के खा ली है। इसे खा के तो मज़ा ही आ गया, तो अब ब्रेड रूखी बच के मैंने वो खा ली, यम्मी था। तो ये सब्जी इतने बन रही है, मैंने आज कम कर दिया, तो मैंने सोचा मैं इतने में आटा गूंथ लेती हूँ, मेरा काम जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो चुटकियों में आटा गूंथते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने जल्दी से आटा गूंथ लिया है क्योंकि मैं अकेले सूट कर रही हूँ तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो मैंने आटा पहले मतलब गूंथा लिया है, आपको दिखाया नहीं है बस। तो अब मैंने आटे का डो ले लिया है, मैं उसको बेल रही हूँ क्योंकि मुझे रोटी बनानी है। तो ये ज़्यादा गोल नहीं बनेगी लेकिन फिर भी ठीक ठाक बनेगी, तो आप हंसी मत उड़ाइएगा। तो मैंने इसे तवे पर डाल दिया है, अब मैं इसे आगे पीछे से सेक लूँगी। ये परफेक्ट गोल नहीं बना है लेकिन ऑलमोस्ट ये गोल बना है, बस हल्का साइड से थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन पूरा गोल बना है ये। तो इसे मैं अब सेक लेती हूँ, मैं आपके सामने ही सेक रही हूँ कि आपको लगे ना कि ये सब मैं नहीं कर रही हूँ, ये सब मैं ही कर रही हूँ, आपको लगे ना कि कोई और कर रहा है मेरी हेल्प, ये मैं अकेले कर रही हूँ। तो ये मेरी रोटी बन चुकी है, तो अब मैं सारी रोटी बना लूँगी। देखिए ये मेरी सारी रोटी मैंने बना ली जितनी मुझे बनानी थी, और ये मैंने अपने लिए एक पराठा बना लिया। और मैं हमेशा आटा थोड़ा ज़्यादा गूंथती हूँ क्योंकि मैं ट्यूशन भी जाती हूँ, तो मुझे स्टडी में थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल जाए, तो इसलिए मैं ज़्यादा आटा गूंथ लेती हूँ, जो रात को भी काम आ जाता है। मैं रात को इसकी रोटी कर दूँगी अब, इससे मेरा टाइम वेस्ट नहीं होता, मुझे टाइम मिल जाता है पढ़ने का, स्कूल जाती हूँ तब भी मैं कर लेती हूँ। स्कूल के टाइम तो मम्मी मुझे लंच पैक करके देती हैं, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा ज़्यादा आटा गूंथ लेती हूँ, मेरा टाइम बच जाता है ऐसे थोड़ा। तो ऑलमोस्ट मेरा सारा काम हो चुका है, सब्जी ये देखिए रोटी भी बन चुकी है और आलू गोभी की सब्जी भी बन चुकी है। लेकिन मुझे अब इसको देख के लग रही थी बहुत तेज भूख, देखिए कितनी टेम्पटिंग सब्जी बनी है, तो मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी। पर आप सोच रहे हो कि मैं खाना खाऊंगी, लेकिन नहीं, अभी मेरा थोड़ा सा काम और बाकी है, तो मैं उसे करके अपना खाना खाऊंगी। तो फ्रेंड्स देखिए घर कितना गंदा हो रखा है, ये मैंने किया है, ये पहले से हुआ हुआ था, ये मुझे नहीं पता, लेकिन करना साफ़ मुझे ही है, तो मैं जल्दी से साफ़ कर लेती हूँ, ये किचन है। आप सोच रहे होगे मैं इसे भी चुटकी बजा के साफ़ कर लूँगी, चलो चुटकी बजाते हैं। हो गया साफ़, पर ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, ये मुझे ही साफ़ करना पड़ेगा, तो मैं इसे आपसे साफ़ करने के बाद मिलती हूँ। देखिए फ्रेंड्स कमरा बिल्कुल क्लीन कर दिया, मैंने झाड़ू लगा दिया, सारा कुछ संभाल के रख दिया, गैस भी साफ़ कर दी है, सारा रूम मैंने क्लीन कर दिया। मैं थक गई हूँ तो मैं पीऊँगी वाटर, मुझे बहुत तेज़ प्यास लगी है, तो मैं जल्दी से पी लेती हूँ वाटर, मुझे पसीने भी आ रहे हैं। हमें बार बार पानी पीते रहना चाहिए, इससे हमारी बॉडी हाइड्रेट रहती है, इससे पी के मेरी थकान तो दूर नहीं होगी लेकिन मेरी प्यास बुझ जाएगी, तो इसलिए मैंने इसे पी लिया है। ढेर सारा वाटर मैं पी लूँगी, तो अब मुझे भूख लग रही है, तो मैं जल्दी से अपने लिए खाना सर्व कर लूँगी। तो मैंने खाना सर्व कर लिया है, इसमें आलू गोभी की रोटी, पराठा और नमक है। तो मुझे थोड़ा सॉल्टी खाना पसंद है, इसलिए तो मैंने थोड़ा सा नमक एक्स्ट्रा ले लिया है,
तो मैंने एक बाइट तोड़ी, उसमें मैंने थोड़ी सब्जी लगाई और मैंने सबसे पहले आपको खिलाया। आपको खाना कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अभी से मैं खा लेती हूँ, बहुत ही यम्मी है। तो मैंने अपने स्पेक्स पहन लिए हैं क्योंकि मैं देख रही हूँ टीवी। खाना खाते वक्त मुझे टीवी या मोबाइल देखना पसंद है, तो टीवी में क्या आ रहा है आप देखना चाहते हो? तो ये टीवी में आ रही है सिंचन की मूवी, मुझे सिंचन देखना पसंद है। ये मूवी है विलनिया दुल्हनिया वाली, जो भी इसका नाम है, सिंचन की फ्यूचर वाली मूवी। तो ये मूवी आ रही थी इस टाइम, तो मैंने खाना खाते हुए इसे इन्जॉय किया। तो मैं आपसे खाना कंप्लीट करने के बाद मिलती हूँ। तो मेरा खाना कंप्लीट हो चुका है, तो मैं पढ़ने भी बैठ चुकी थी, बहुत देर पहले कंप्लीट हो चुका था। मुझे 2 आवर्स हो गए हैं ऑलमोस्ट पढ़ते पढ़ते, और अब मुझे फिर शाम को ट्यूशन भी जाना है, इसलिए मैं ज़्यादा थकूँ ना, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए अपनी निंद्रा पूरी करूँगी, मतलब मैं अब सोऊँगी। अपना बैग मैंने अपना पैक कर लिया, ट्यूशन कॉपी रख ली है, ये एक बैग मेरा स्कूल का भी है, ट्यूशन का भी है, तो मैंने इसे पैक कर लिया। तो चलो अब सो जाते हैं। चलो अब मैं फ्रेंड सो रही हूँ। तो फाइनली मैं अपने खाट पे लेट चुकी हूँ। आप मेरी खाट पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि ये खाट थोड़ी सी टूटी हुई है। देखिए हमने इस पे कपड़े लगा रखे हैं, रस्सियाँ बांध रखी है, चुन्नियाँ बांध रखी है, रस्सियाँ अवेलेबल नहीं है, तो हमने इस पे चुन्नी बांध रखी है। ये खाट पे ज़्यादा जोड़ने लगे और टूटे ना। वैसे ये खाट ऑलमोस्ट टूट चुकी है, लेकिन इस पे हमने थोड़ी कारीगरी करके इस पे चुन्नियाँ लगाई है ताकि ये ज़्यादा बैंड ना हो, टूटे ना। आप हमारे साथ हो गए तो हम और भी कुछ नया खरीद सकेंगे, लेकिन अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम न्यू खाद ले सकें। लेकिन फिर भी जब तक ये चला रही है तो मतलब जब तक ये चल रही है तो हम चलाएंगे इसे। तो इस खाट पे मैं ही सोती हूँ, 2 लोगों का वजन ये वैसे नहीं झेल सकती, ये आधी टूटी हुई है, मतलब मेरे लिए ये ठीक है और मेरे टैडी के लिए भी ठीक है। तो मैंने अपने स्टैक्स उतार लिया और अब मैं सो चुकी हूँ। तो इसका अब नेक्स्ट पार्ट आएगा, तो वो आप ज़रूर देखना। तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। और इसका फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट आएगा कल या परसों, इसके नेक्स्ट डे दिन आ जाएगा, क्योंकि ये मेरा डीपली डेली रूटीन है। अगर मैं पूरा इसी में दिखा दूँगी तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आपको भी देखना अच्छा नहीं लगेगा। लंबी वीडियो देखना किसको पसंद है? किसी को पसंद नहीं है। तो अब मैं इसको नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करूँगी, तो आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा और मेरी नेक्स्ट वीडियो को भी ढेर सारा प्यार दीजिएगा। आपको आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।